9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को लेकर के जो चुनावी माहौल छाया हुआ है, इस चुनावी माहौल को देखते हुए यहां पर एक बात बिल्कुल साफ हो जा रही है कि इस बीच में भारत जोड़ो यात्रा का ये जो सफर है वो मध्य प्रदेश पहुंच गया। और देखिए, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी राहुल गांधी को अपने सामने देख करके सिंधिया का क्या रिएक्शन होगा उसका इंतजार हर किसी को। और देखिए, हम भी आपको पल पल की अपडेट दे भी रहे हैं। देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी रथ यात्रा निकाली जा रही थी, उस चुनावी रथ यात्रा के बीच में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जाहिर सी बात है कि यहां पर सिंधिया ने बगावती तेवर अपनाए थे मध्य प्रदेश में, और सिंधिया अपने इसी बगावती तेवर को देखते हुए जो है वो साइडलाइन हो रहे थे। अब उनके इस तरीके से साइड होने की वजह से क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ के माहौल में एक अलग दिलचस्पी मोड़ लाने वाला जो सीन है वो मध्य प्रदेश से देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए, सिंधिया अभी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, अभी भी जो है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के सामने जो है हारना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का अगर ये सफल यात्रा रहा तो सिंधिया का क्या रिएक्शन होगा? सिंधिया यहाँ पर जो है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, या फिर ये माहौल यूं ही चलता रहेगा? कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव भी अब आने वाले समय में बहुत नजदीक है और आजकल तो सिंधिया, प्रियंका, राहुल गांधी इन तीनों को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। तो देखिए, आज की इस चर्चा वाली रिपोर्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ का चुनावी बिगुल भी जो है आने वाले समय में फूंक दिया जाएगा, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा होंगे तब सिंधिया क्या कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए, सिंधिया का आजकल रुख बेहद ही ज्यादा गर्म रह रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए ना उन्हें कांग्रेस में कोई स्थान मिला, ना ही भाजपा में उन्हें कोई बड़ी पकड़ मिलती हुई नजर आ रही है। सीएम पद पर बैठना चाहते हैं लेकिन वो उनके हाथ में नहीं आ रहा है, और ऐसे में कांग्रेस की भी तेजी देखते हुए वो सच में इस समय सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या उन्हें कांग्रेस के अंदर ही रहना चाहिए था। क्योंकि आजकल कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में जो है वो एक बड़ा खेला करेगी और जीत का परचम हर राज्य में लहराती हुई नजर आएगी। बहरहाल, इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग की क्या तर्क है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBI News।